आज के टाइम में 70% इंडियंस को विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, और जब हमें पता चलता है तो हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए विटामिन डी के सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि अब हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। बट डू यू थिंक कि ये एक परमानेंट सॉल्यूशन है? डू यू नो कि बिना सप्लीमेंट लिए भी आप अपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हो? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको बैक पेन, वीक बोन्स, लोअर इम्यूनिटी, हेयर फॉल और कितनी ही बीमारियों को फेस करना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम नेचुरली अपने विटामिन डी के लेवल्स को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स जो है वो तो हम सबको पता है, वो है सनलाइट। पर बहुत से लोग पूरा पूरा दिन सनलाइट लेते हैं पर फिर भी वो विटामिन डी में डेफिशिएंट होते हैं। द रीजन बीइंग, आप सनलाइट तो ले रहे हो बट आप वो सनलाइट गलत तरीके से ले रहे हो। अगर आप सही तरीके से सनलाइट लोगे तो आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी, आपकी बोन्स की डेंसिटी और स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। और इन सभी बेनिफिट्स के लिए जो बेस्ट टाइम है सनलाइट का वो है मॉर्निंग में सनराइज से लेकर 10 बजे तक और शाम में 4 बजे से लेकर सनसेट तक। और किस टाइम सनलाइट नहीं लेनी, आपको नहीं लेना 12 से 3 बजे के बीच में। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं विंटर्स में, वो इस टाइम पर सनलाइट लेते हैं। तो ये अगर आप सनलाइट ले रहे हो तो ये आपके विटामिन डी लेवल्स को पूरा नहीं करेगी, इनफैक्ट ये फायदे की जगह आपको नुकसान ही करेगी। अब हमें टाइम तो पता चल गया किस टाइम सनलाइट लेनी है, पर एक गलती हम और करते हैं, वो क्या है? सनलाइट आपकी बॉडी में तभी अब्सॉर्ब होगी जब वो आपके स्किन के कांटेक्ट में आएगी। अगर आप फुल स्लीव्स क्लोथ डालकर सनलाइट ले रहे हो उस टाइम पर तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सनलाइट का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए आपको उसे इस टाइम पर लेना पड़ेगा जो भी मैंने आपको बताए हैं, और वो सनलाइट आपकी बॉडी पे डायरेक्ट एक्सपोज होनी चाहिए। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही 20 मिनट के लिए अगर आप इस तरीके से सनलाइट लेते हो तो आप अपने विटामिन डी के लेवल्स को नेचुरली पूरा कर सकते हो। पर कुछ लोग बिकॉज ऑफ देयर वर्क प्रायोरिटीज इस टाइम पर सनलाइट नहीं ले सकते। अब उनके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आप उस टाइम पर सनलाइट नहीं ले सकते तो आप उसकी जगह ले सकते हो सन चार्ज्ड वाटर। पुराने जमाने में भी लोग अलग अलग रंग की कांच की बॉटल्स में पानी भरकर सन में रखते थे। इसके लिए आपको एक कांच की बॉटल में पानी भरकर उसे 5 से 8 घंटे तक धूप में रखना है, फिर वो पानी आप 24 घंटे तक कंज्यूम कर सकते हो। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपको प्लास्टिक बॉटल्स यूज नहीं करनी है। ऐसा करने से आप कुछ ही टाइम में डिफरेंस नोटिस करोगे। इन सब बातों का ध्यान रख के आप अपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी को नेचुरली पूरा कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।